सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं फिर से आ गया हूँ राखी रिलेटेड फोटो एडिटिंग के साथ। तो आज हमारा जो फोटो एडिटिंग 4 नंबर फोटो एडिटिंग है, ऑलरेडी मैंने 3 फोटो एडिटिंग दे दिया है राखी रिलेटेड। तो आप लोग नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, आई बटन में वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड एंड स्क्रीन में हम लिंक दे देंगे। ओके, तो चलिए आज का जो इस टाइप का मैंने फोटो एडिटिंग आज के सिखाने वाला हूँ, तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। ओके गाइस, देखिए मेरा फोटोशॉप इधर ओपन है, तो मैंने ही डॉक्यूमेंट क्रिएट करके रखी हूँ। आपको दिखाता हूँ मैंने डॉक्यूमेंट साइज कितना रखा है। ओके, 1920x2370 पिक्सल रख के मैंने ओके किया। तो इस टाइप का एक ग्रेडियंट कलर मैंने इधर यूज़ किया है। तो देखिए ये जो हमको हम इधर देखिए कोड आपको बोल देता हूँ 6E3C06 बोल के एक कलर, एंड इधर जो लाइट कलर मैंने इधर यूज़ किए हैं वो है FFC105। ओके, तो इस टाइप का मैंने ग्रेडियंट कलर इधर सिलेक्शन करके रखी हूँ। ओके, तो इसके बाद देखिए जो सारा काम हम आज इधर देखिए करेंगे, तो सबसे पहले जो इधर फ्लावर है, फ्लावर को हम लोग सेट कर लेते हैं। ओके, तो ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो फ्लावर है फ्लावर को हम लोग ऐड करेंगे। तो इसीलिए जस्ट बैकग्राउंड का ऊपर हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, देन कीबोर्ड का कंट्रोल यू मैंने प्रेस किया, यू सैचुरेशन बॉक्स आ गया है। तो सबसे पहले मैंने कलराइज ऑप्शन में मैंने चेक कर लेंगे, एंड इधर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे, जो फ्लावर कलर का ब्लू टाइप का कलर हम सिलेक्शन किए हैं। ओके, तो थोड़ा सा लाइट को भी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो इस टाइप का मैंने कलर एडजस्ट कर लिया। तो इसके बाद देखिए हम इधर एडजस्टमेंट करेंगे ऐसे करके, आप लोग देख सकते हो ये वाला फ्लावर देखिए दोनों साइड में मैंने इधर यूज़ किए हैं। ओके, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने छोटा कर लेंगे, ए साइड में मैंने इधर सेट कर लिया, देन और एक इसका कॉपी हम ले लेंगे, देन देखिए इधर भी हम लोग सेट कर देंगे। ओके, तो ऐसे करके। ओके, तो इसके बाद और एक कंट्रोल जे करके कॉपी ले लेंगे, हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद देखिए ए साइड पे एक ठो, एंड देखिए इधर और भी एक ठो कॉपी मैंने ए साइड में एडजस्ट कर लिया, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ओके, तो बैकग्राउंड हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद इस देखिए ये फ्लावर्स थोड़ा सा इधर मैंने रखी। ओके, तो इसके बाद हमको क्या करने होगा, इसके बाद देखिए आप लोग देख सकते हो इधर देखिए मैंने एक जो फेस इधर देखिए मॉडल मैंने ऑलरेडी सिलेक्शन करके मैंने रखी हूँ। तो ए वाला जो है ना सिस्टर एंड ब्रदर टाइप का जो फोटो है, तो इस टाइप का फोटो लेकर मैंने इधर एडजस्टमेंट कर लेंगे। ओके, तो ऑल्ट दबा के थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, देन हम लोग क्या कर लेंगे इधर जो मास्क है मास्क को मैंने अप्लाई कर लेंगे, देन फिर से एक मास्क लेयर मैंने ऐड किया, देन देखिए इधर ग्रेडियंट ले लेंगे, और जो ब्लैक एंड ट्रांसपेरेंट कलर का जो ग्रेडियंट है ग्रेडियंट लेकर मैंने क्या करूँगी देखिए थोड़ा सा इरेज कर देंगे। ओके, तो देखिए इस टाइप का जो ब्लेंडिंग हो गया। ओके, तो इसके बाद थोड़ा सा ओपेसिटी हम लोग कमा देंगे। ओके, तो देखिए बहुत बढ़िया लुक इधर आ गया है। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो देखिए इधर कुछ मैंने राखी क्रिएट करके रखी हूँ, तो ए वाला राखी को लेकर मैंने क्या करेंगे इधर जो बैकग्राउंड का ऊपर एडजस्टमेंट कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो ऐसे इधर मैंने सेट किया है, एंड देखिए और एक डुप्लीकेट कॉपी मैंने क्रिएट कर लिया कंट्रोल जे करके, इधर देखिए ऐसे करके इधर मैंने रखी हूँ, और एक राखी को लेकर मैंने क्या करूँगी जो बैकग्राउंड का ऊपर एडजस्टमेंट कर लेंगे। ओके, तो ऐसे करके। ओके, तो इधर देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद एक मॉडल मैंने यूज़ किया है, ए मॉडल को लेकर हम लोग क्या करेंगे इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, देखिए थोड़ा सा मैंने छोटा कर लेंगे। ओके, तो इसके बाद हम लोग एक रिफ्लेक्शन भी क्रिएट कर लेंगे, एक न्यू लेयर ले लेंगे, ब्रश टूल सिलेक्शन करके जो ब्लैक कलर सिलेक्शन करके एक तो मैंने रिफ्लेक्शन क्रिएट करेंगे। ओके, तो ऐसे करके रिफ्लेक्शन मैंने क्रिएट कर लिया। ओके, इसके बाद देखिए मॉडल को थोड़ा सा हम लोग कलर ग्रेडिंग करेंगे, तो इसीलिए हम लोग जाएंगे फिल्टर देन कैमरा रॉ फिल्टर। ओके, तो कैमरा रॉ फिल्टर में जाने के बाद देखिए थोड़ा सा हम लोग मॉडल है मॉडल को थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट कर लेंगे। ओके, ओके, तो देखिए शर्ट का कलर मैंने रेड कर लिया, देन ओके। ओके, तो आप लोग देख ही सकते हो, तो हमारा इधर देखिए मॉडल जो कलर करेक्शन हो गया है। ओके, तो इसके बाद देखिए हम लोग इधर देखिए थोड़ा सा एक जो टेक्सचर टाइप का इधर मैंने ऐड किया है कलर, एंड इधर टेक्स्ट मैंने लिखूंगी। ओके, तो देखिए हम इधर एक जो बैकग्राउंड लेके मैंने इधर रखी हूँ, तो वो वाला बैकग्राउंड का लेकर मैंने
जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे एंड ऑल्ट दबा के थोड़ा सा हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे। ओके तो ऐसे करके इधर मैंने सेट कर दिया एंड ब्लेंड मोड चेंज करके हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए इस जो साइड में हम लोग सेट कर देंगे एंड ओपेसिटी थोड़ा सा हम लोग कमा देंगे। ओके देखिए बहुत बढ़िया एक लुक इधर आ गया है। ओके तो इसके बाद मैंने एक थो टेक्स्ट मैंने लिख के रखी हूँ तो जो रक्षाबंधन का एक टेक्स्ट ऐसे करके टेक्स्ट को सेट कर दें। ओके तो हमारा देखिए फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो गया। आप लोग थोड़ा सा कलर करेक्शन करने कर सकते हो तो करने के लिए क्या करने होगा, एक मार्ज इमेज क्रिएट करने होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस ई। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे कैमरा रॉ फिल्टर में। तो देखिए इधर थोड़ा सा हम लोग कलर करेक्शन कर लेते हैं, फिल्टर देन शार्पन देन आंसर मार्क्स। ओके थोड़ा सा इमेज का क्लैरिटी भी आ गया देन ओके। ओके गाइज देखिए हमारा जो रक्षाबंधन का जो फोटो एडिटिंग लुक क्रिएट हो गया। ओके आप लोग भी क्रिएट कर सकते हो। सो गाइज आई होप कि ट्यूटोरियल आप लोग का पसंद आइए होगा। ये वीडियो आप लोग का पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक करो, हमको थोड़ा सा मोटिवेट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो क्योंकि बहुत सारा एडिटिंग आने वाला है राखी का रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा और बहुत सारा फोटो एडिटिंग आने वाला है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो और आपका दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करके बोल सकते हो वीडियो कैसा लगा। ओके तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।